हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाते हैं अरवी की सूखी सब्जी। बरसात में ये इजीली अवेलेबल होता है और हमें हर सीजन का फल सब्जी सबको ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं अरवी की सूखी सब्जी। मैंने अरवी को अच्छे से धो लिया है और इसे कुकर में डाला है। अब इसमें डालेंगे पानी, पानी इतना डालेंगे ताकि अरवी इसमें पूरे डूब जाए। कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे एक सीटी आने तक पकाएंगे। इसमें एक विसिल आ चुका है, अब प्रेशर को गिरने देंगे। अब अरवी को ठंडा होने देंगे। अगर बिना ठंडा हुए इसका छिलका उतारेंगे तो एक चपचपा सा हाथ में लग जाएगा और अच्छे से छिलका निकलेगा भी नहीं। ठंडा होने के बाद मैंने इसे छीलकर अच्छे से ऐसे ऐसे लंबे लंबे पीस में काट लिया है। याद रखें, पीस थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब मसाले बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पैन लिया है, हीट को लो रखा है और डाला है इसमें सरसों का तेल। इसमें सरसों तेल का यूज करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अपने पसंद के ऑयल का यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन अरवी सूखी अरवी का मेन मसाला होता है। अब डाला है एक छोटी चम्मच कलौजी, साथ ही डाला है एक चौथाई चम्मच हींग, दो बारीक कटे हुए हरे मिर्च, आधी इंच ग्रेटेड अदरक। हीट को रखा है लो। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर। याद रखें, हीट को रखेंगे लो और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन मसालों को थोड़ी देर भूनेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अरवी, कटे हुए अरवी। अब इसमें बचे हुए मसाले भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं। स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर। अब इसे अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और अरवी के ऊपर अच्छे से लग जाएं। इसे धीरे धीरे अच्छे से उलट पुलट कर चलाएंगे और उसके बाद सारी अरवी को पूरे पैन में ऐसे ऐसे फैला देंगे। हीट को मीडियम रखेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तीन मिनट के बाद इसे चेक करेंगे और फिर से सारे पीसेस को दूसरी साइड में पलट देंगे अच्छे से, जिससे कि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। और इसको फिर से ढककर 3 मिनट पकाएंगे। ये अब दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है और कुरकुरा बन चुका है। अब स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। ये सब्जी पूरी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है।